नमस्कार दोस्तों, लालू यादव अपने बड़े खेल में कामयाब हो चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, सेहरा सज चुका है। ललन सिंह ने अंदर सब कुछ तैयार किया, गड़बड़ भी ललन सिंह ने ही की। नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार खुद अपने हाथ से अब तेजस्वी यादव को दे देंगे और कोई विरोध भी नहीं करेगा। ये सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। ललन सिंह के जरिए धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर करवाया जा रहा था। लालू यादव तेजस्वी यादव मिलकर जिस तरीके से अंदर खाने से जदयू को खत्म कर रहे थे, नीतीश कुमार को जिस तरह से बताया जा रहा था, दवाइयां दी जा रही थी, नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसका असर अब नीतीश कुमार पर हो चुका है। और ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि उनके भतीजे तेजस्वी ने शायद करवाया है। शायद लालू यादव की ये पूरी प्लानिंग थी कि अब की बार नीतीश कुमार गच्चा दें, उससे पहले नीतीश कुमार को हम कुर्सी से उठाकर फेंक दें। लेकिन नीतीश कुमार है बड़े तेज नेता, नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ने वाले तो है नहीं, तो कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, उसकी पूरी कहानी पूरी स्क्रिप्ट लालू यादव ने तैयार की। इस स्क्रिप्ट पर जो कैरेक्टर निभाया वो है ललन सिंह। ललन सिंह ने पहले तो जितने नीतीश कुमार के आसपास जो लोग उनके भरोसेमंद नेता थे, उनको धीरे धीरे नीतीश कुमार से दूर कर दिया। नीतीश कुमार के पास सही जानकारी सटीक जानकारी पहुंचना बंद हो गई, घोल मोल बातें उनके पास पहुंचने लगी। अब जो हालत नीतीश कुमार की आजकल आप देख पा रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर महिलाओं को लेकर की गई अभद्र भाषा की बात हो, या फिर किसी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जाते हैं और किसी और पर फूल चढ़ा देते हैं, इन सब मामलों के बाद आप समझ रहे हैं ना कि क्या होगा। जी हाँ, अब तेजस्वी यादव बिहार के सीएम सीधे आसान रास्ते से बन जाएंगे। आपने एक बात और गौर की होगी, जैसे ही सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंदा बयान दिया था, तेजस्वी यादव बड़े प्यार से आए कि नहीं नहीं, चाचा ने कोई गलती नहीं की है, चाचा ने तो सेक्स एजुकेशन दी है। क्यों नीतीश कुमार का विरोध तेजस्वी ने नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि तेजस्वी जानते थे कि अगर अभी हम नीतीश कुमार का विरोध कर देंगे तो लोगों को हम पर शंका होगी, हम पर डाउट हो सकता है कि कहीं तेजस्वी भी तो इसमें शामिल नहीं है, कहीं तेजस्वी जानबूझकर तो नीतीश कुमार को खराब नहीं दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो अच्छा बनने के चक्कर में, नीतीश कुमार का हितैषी बनने के चक्कर में ये सारी बातें बोल गए मीडिया के सामने कि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जो कुछ कहा उसमें कोई बुराई नहीं है। खुद नीतीश कुमार अगले दिन अपने उस बयान पर हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो होशो हवास में होने के बावजूद नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते। वजह साफ है भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं तेजस्वी यादव। सभी को मालूम है कि वो अपने चाचा के प्रिय बने रहना चाहते हैं और दुनिया की नजर में यही दिखाना चाहते हैं कि चाचा के मुख्यमंत्री बने रहने से उनको कोई परेशानी नहीं है। तेजस्वी भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहे, ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने। लेकिन अंदर की कहानी यही है कि तेजस्वी जल्दी ही इस कुर्सी को पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी 2025 में बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि बगल में चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, तो यह कुर्सी लेना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, नीतीश कुमार जैसे बीजेपी को लेकर बयान कुछ दिनों में दे रहे थे, बड़ा प्रेम झलक रहा था बीजेपी वालों के लिए, इंडिया अलायंस के कुछ निर्णय होते जैसे कि पत्रकारों के बायकॉट का निर्णय, तो नीतीश कुमार उन निर्णयों में इंडिया अलायंस के साथ नहीं खड़े दिखते थे। कई मंचों से कहते कि बीजेपी वालों से तो मुझे अब भी प्यार है, मैं अभी भूल नहीं सकता उन लोगों को। यानी कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटू चाचा ना बन जाए, उससे पहले ही नीतीश कुमार की हालत ऐसी कर दी जाए कि बीजेपी वाले तो क्या, बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को स्वीकार ना करे। मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात, कोई उनको विधायक के लिए भी ना चुने। यानी साफ है
कि राजनीति खत्म करना आसान नहीं है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दो कि या तो वो स्वयं अपने हाथों से इस्तीफा लिख दे और त्याग पत्र दे दे और कहे भाई कि आ तेजस्वी बेटा, लो सीएम की कुर्सी, तुम ही बन जाओ मुख्यमंत्री। और हाल फिलहाल में जिस तरह से नीतीश कुमार का रवैया है, आज नहीं तो कल नीतीश कुमार बड़े प्यार से बुलाएंगे तेजस्वी को और कहेंगे कि अब नहीं संभलता हमसे ये सब, लो तेजस्वी तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। अब दूसरी बात यह कि देखिए, नीतीश कुमार खुद को सदन में मूर्ख भी बुलाते हैं, कहते हैं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। तो कल को वो ये भी कह सकते हैं कि अब तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाकर मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं और इसीलिए अब ये कुर्सी मैं सही व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं। तो अब नीतीश कुमार ये सब कहे तो इसमें आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। ऐसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं ललन सिंह पर, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, और ये तमाम आरोप कौन लगा रहा है समझिए जरा। ये तमाम आरोप जदयू के अंदर के लोग लगा रहे हैं, जदयू के कई ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनसे अब उनका कोई नाता नहीं है, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोली है कि जदयू के अंदर हो क्या रहा है। नीतीश कुमार लग रहा था कि इंडिया अलायंस में उनको ना तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दी जा रही है, ना संयोजक बनाया जा रहा है। ऐसे में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डील यही हुई थी कि एक तरफ हमको आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करें इंडिया अलायंस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, और दूसरी तरफ हम बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी भी साथ में खड़े हैं, राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए। अब लालू यादव के सामने कंफ्यूजन आप देखिए, अब लालू यादव अब नीतीश कुमार को अगर दावेदार घोषित करते हैं प्रधानमंत्री का, उनका समर्थन करते हैं, तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। अब राहुल गांधी अगर नाराज हो जाएंगे तो राजनीति राजद की खराब होगी, क्योंकि राजद की पुरानी सहयोगी कांग्रेस हमेशा से रही है। तो दूसरी बात यह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है वो तेजस्वी को कैसे मिलेगी। तो लालू यादव ने सब समझ लिया कि बिहार के सीएम की कुर्सी भी नहीं रहेगी नीतीश कुमार के पास, और ना ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। आप देखिए कि आज के वक्त में नीतीश कुमार की जो छवि है, कौन उनको बिहार का सीएम या फिर इस देश का पीएम बनते देखना चाहेगा, कोई नहीं। सब लोग ये मानते हैं कि भाई नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का मानसिक दिवालिया होना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी वो व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा का पूरा महागठबंधन साथ ले आता है, सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट कर देता है, वो व्यक्ति जो पिछले 17 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है, वो आजकल मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। और हो सकता है कि वो सच में हो गए हों, उनको कर दिया गया हो, और इसीलिए अब इस तरह की तस्वीरें आजकल दिख रही हैं। तो खेल तो नीतीश कुमार के साथ हो चुका है, अब परिणाम आना बाकी है। परिणाम जल्दी ही आपके सामने होगा। परिणाम यही होगा कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे और चाचा नीतीश कुमार संन्यास लेते आपको दिखाई देंगे। इस पूरे विश्लेषण को समझने का आप भी प्रयास करें और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं नीतीश कुमार की जो आपको कॉमन नहीं लगती, लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है सच में उनके साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।